सबसे मैंने रिमार्क्स लेने अपने स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में, सबको बारी बारी अब मैं दावा देती हूँ डॉक्टर रिफत जैदी साहब को कि वो आए स्टेज पर और हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है, रिजल्ट सुने, उनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। आज मैं दो साल के बाद इधर आया हूं और आज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है और ख़ासतौर पे जो अंग्रेज़ी की तकरीर थी उसके अंदर माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्लो आ गया है। इसके अलावा कंप्यूटर्स जो अब आ गए हैं उसमें मैं आप टीचर साहिबान को भी इनक्रेज करूँगा कि वो लोग अपना टाइम स्पेंड करें कंप्यूटर हासिल करने के लिए, क्योंकि इससे आप लोगों की जो फर्दर क्वालिटी है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ना सिर्फ बच्चों की उसमें आएगी, इंसान पढ़ाने से ज़्यादा सीखता है बजाय इसके कि खुद तालिब इल्म हो उस वक्त कम सीखता है, लेकिन जब किसी को पढ़ा रहा होता है तो उस वक्त ज़्यादा सीखता है। बच्चे ये माशाल्लाह बड़े ज़हीन बच्चे हैं, इनके लिए अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले सिर्फ एक मिसरा कहा था और दैट मिसरा शुड बी मोर देन इनफ टू सम अप एवरीथिंग, कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रफेज है। तो ये बच्चे इम्प्रोविस्ट बच्चे जिनको रावलपिंडी ओवरसीज़ फाउंडेशन, रवेलियन ओवरसीज़ फाउंडेशन और रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज ओवरसीज़ फाउंडेशन का तो सिर्फ ख्याल था, हमारा सिर्फ ख्वाब था कि हम एक स्कूल बनाएंगे ऐसे एरिया में जहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूलिंग मौजूद नहीं है। आज उस ख्वाब जो है उसको 7 साल हो चुके हैं और माशाल्लाह ये बिल्डिंग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग। हमारा जो काम है वो तो सिर्फ इतना है कि हमने आप लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ कर ली है, बाकी हमारा काम नहीं है इसके अंदर। बाकी तो असातिज़ा कराम का कमाल है सारा और जो लोकल लोग हैं उनका कमाल है। अब हमने इस स्कूल को आगे लेके जाना है 8वीं 9वीं 10वीं। हमारा जो प्रोग्राम है ओरिजिनल जो प्रोग्राम है वो है 10वीं तक, लेकिन इस वक्त ये जो जगह है ये छोटी पड़ रही है। तो मैं लोकल जो लोग हैं इसमें शानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इस इलाके के बहुत बड़े नाम हैं इनका, तो मेरी रिक्वेस्ट इन सब लोगों से है यहाँ पे जो भी आसपास में मौजूद हैं जिनकी ज़मीनें हैं कि हमें इसमें से दो नहीं तो चार नहीं तो दो कनाल ज़मीन तो दे दें ताकि हम इसके अंदर एडिशन कर सकें, ताकि ये बच्चियाँ जो हैं जो अब सातवीं पास कर चुकी हैं तो अब इनके लिए 8वीं 9वीं और 10वीं। इसके अलावा जो हमारा विजन है इस स्कूल के बारे में वो ये है कि ये जो कंप्यूटर हमने अभी ख़रीदे हैं ये सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी अवेलेबल होने चाहिए जो आफ्टर 2 बजे के बाद अगर कोई एडल्ट पे टाइम लगाना चाहें तो वो लगा सके इसके अंदर। इसके अलावा हमारा वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का भी इसमें प्रोग्राम है ताकि यही बच्चियाँ जो हैं ये सिलाई कढ़ाई भी सीखें, क्योंकि घर चलाना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, बाकी सारी इंसान जो है नौकरी करता है और कोई काम करता है तो वो घर चलाने के लिए करता है, तो घर चलाने में तालीम का बहुत बहुत ज़रूरी अमल करना पड़ता है। उसके अलावा ये जो 150 लड़कियां हैं इनके जो आगे जो 150 खानदान होंगे उन लोगों की सबकी ज़िंदगी जो है वो इनके साथ मुंसलिक है और वो चेंज हो चुकी है, वो तब्दीली आ गई है, वो तब्दीली आने वाली नहीं है, वो तब्दीली अब आ गई है, क्योंकि ये लोग जो हैं बच्चे इन लोगों ने तालीम हासिल कर ली है। आगे वो क्या करती हैं ये बच्चियाँ ये अब उन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है जो असल ज़िंदगी है वो तो मैट्रिक के बाद ही शुरू होती है, चाहे वो केमिस्ट्री उसमें हो या अलजेब्रा हो या मैथ हो, वो उससे जान नहीं छूट सकती। तो रोटियां पकाना भी इंसान का वो है हक है और खाना भी हक है और उसको बनाना भी हक है, तो चाहे वो मैं बनाऊँ या ये बनाए या वो बनाए वो सब ने बनानी है, ठीक है ना। उसके अंदर कोई छोटी बात नहीं होती कि मैंने रोटी बनाई, रोटी मैं भी अच्छी बना लेता हूँ। तो बात यह है कि आप लोगों के लिए ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट जो होगा
वो हमारा पूरा ख्वाब है कि हम इसमें बनाएंगे और ताकि सब बच्चे जितने भी यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं वो उससे मुस्तफीज हो सके और उसमें सिलाई की मशीन है। और हम प्रिंसिपल साहिबा के साथ मिलकर ये बात करेंगे और डॉक्टर नदीम अफराज और डॉक्टर बाबर, उन्होंने आज आना था, अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सके, तो उनके साथ मिलकर हमारा प्लान है कि इसको हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन सबसे अव्वल ज़रूरत जो है कि हमारे पास ज़मीन हो, तो आप लोगों की जो जान पहचान यहाँ पर है उन लोगों से आप थोड़ा सा हमारी तरफ से सिफारिश करें कि हमें वो ज़मीन दे दें ताकि आप लोगों का काम चलता रहे उसके अंदर, तो उसका जो भी हक है हम उसका अदा कर देंगे, जो भी उसका जुर्माना है। तो इसके अलावा कमिंग बैक, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस मैडम, आपने बहुत अच्छा काम किया दो साल में। आपने, मैं सिर्फ दो साल का इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि दो साल पहले मैं आया था, आप मुझे दो साल के बाद आ, हाँ जी वो मुझे मालूम है, लेकिन दो साल मैं पहले, तो आठ साल पहले आया था जब इस ज़मीन के ऊपर कुछ भी नहीं था और जब हमने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी तो उस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद था, और उस वक्त से आज तक अल्लाह के फजल से यहाँ पे बहुत कुछ है। शुक्रिया बहुत बहुत बहुत। अब लास्ट है। Proper desks and chairs, everything. I just